This literally glides on your eye. This is so soft. What? Oh, I feel it tonight. There's something in. Hi guys, what's up? It's me, Aarti. Welcome to a brand new video, and this is a makeup haul after a while. So this is the Nykaa Hot Pink Sale Haul. Wow, I said it. पता नहीं मैं अपने दिमाग में बार-बार black pink सेल क्यों बोल रही थी, बट anyway, so it the hot pink sale was on. We all know about it. You might have seen a lot of videos about it by now. So जब ये सेल चल रहा था ना, तब मेरा ऐसे इंटरनल कॉन्वर्जेशन चल रहा था कि आरती, यू डोंट नीड मोर मेकअप, यू हैव अ लॉट ऑफ स्टफ, यू हैव टू मेनी लिपस्टिक्स, यू हैव टू मच दैट वन पर्सन कैन यूज, तो यू शुडंट बाय एनीथिंग. सो मैं ऑलमोस्ट कन्विंस हो गई थी अपने आप से, पर फिर सेल खत्म होने के कुछ दो तीन तीन दिन पहले मेरे दिमाग में आया, बट यार बेसिक वाली चीज़ें ले लेते हैं ना, बिकॉज नाउ आई डू मेकअप वेरी ऑफन बिकॉज ऑफ यूट्यूब. सो आई ऑर्डर्ड फॉर सम रियली बेसिक स्टफ, ओके, लाइक वन स्टिक फाउंडेशन शुगर का, मेबलिन का एक एज रिवाइंड कंसीलर है, सम आई शेडो स्टिक्स दैट आई एम रियली एक्साइटेड अबाउट, एंड सम स्किन केयर, एंड आई हैव अ ब्रांड न्यू मेकअप ब्रश सेट बाय द वे, विच इज नॉट फ्रॉम नायका, विच आई ऑर्डर फ्रॉम अमेजोन, वो भी दिखाई देती हूँ. इस चैनल पर अगर नए हो और ऐसा कॉन्टेंट और फ्यूचर में देखना चाहते हो, प्लीज कंसिडर हिटिंग द सब्सक्राइब बटन एंड द बेल आइकॉन नेक्स्ट टू इट. बिफोर आई स्टार्ट शोइंग यू गाइज द फाउंडेशन concealer and rest of the makeup, I want to show you guys something really exciting. I finally bought a brush, makeup brush set. ये नायका से नहीं है, ये जो है ये मैंने अमेजोन से ऑर्डर किया. सो काफ़ी दिनों से यू नो इट्स बिन ऑन माई माइंड, थोड़ा जस्ट इन्वेस्ट इन वन, क्योंकि जो ब्रशेज मैं यूज़ करती हूँ गाइस हैव सीन बहुत ही एमेच्योर वाले ब्रशेज है. सो वन ऑफ माई फ्रेंड्स टोल्ड मी, यू नो शी सेंड मी इस ब्रांड का हैंडल ऑन इंस्टाग्राम, इट्स कॉल्ड ला कारा, एंड शी टोल्ड मी दैट दे हैव लाइक दीज ब्रिलियंट मेकअप ब्रशेज. सो ऑब्वियसली द फर्स्ट थिंग दैट आई डिड इज आई वेंट टू यूट्यूब एंड ट्राई टू फाइंड सम यू नो रिव्यूज एंड ऑल, एंड ग्रेट रिव्यूज दिस ब्रश सेट हैज. ओके, पहले तो मुझे इसकी पैकेजिंग बहुत पसंद है, फिर उसके अंदर ये वेलवेट पाउच है जिसके अंदर एक्चुअली सारे ब्रशेस रखे थे, अभी मैंने निकाल लिए बाहर, एंड दिस इज अ सेट विथ 10 मेकअप ब्रशेस फेस एंड आई मेकअप के लिए, एंड दिस कॉस्ट 2400 रुपीज़, विच आई थिंक इज ग्रेट, क्योंकि इस रेंज में तुम्हें 10 मेकअप ब्रशेज अच्छे क्वालिटी के मिल ही नहीं सकते. मैं अमीर हूँ, बहुत पैसा है मेरे पास. इफ यू गाइज आर मेकअप जंकीज और तुम लोगों ने जाके रेट्स चेक किए होंगे, यू नो लाइक अ डिसेंट क्वालिटी ब्रश स्टार्ट्स फ्रॉम 500 और समथिंग फॉर वन ब्रश, और एटलीस्ट 300, और ये फाउंडेशन और ब्लश ब्रशेज व्हाट, और ये फाउंडेशन और ब्लश वाले ब्रशेस तो और भी महंगे होते हैं. सो आई फील लाइक दिस इज ग्रेट. बाय नाउ आई नो कि इसे फाउंडेशन ब्रश कहते हैं, या हम सीख चुके हैं. ओ माई गॉड, दिस इज सो सॉफ्ट. I have never really used a good quality brush. I'm very excited about using it, and I feel इनका packaging भी बहुत ही sleek है. Really like it. Really good quality. So आज के video में I'm gonna try and use some of these. इसकी link भी जो है मैं नीचे description box में डाल दूँगी, if you want to go check it out. And by the way, ये बहुत out of stock रहते हैं. Like I was looking for them since a while, and अभी ये stock में आए कुछ ही दिन पहले, and I quickly ordered it. So if you're looking for like a beginner set for like an affordable price, I think you can go check it. Now starting off with the stuff that I ordered from Nykaa, सबसे पहली चीज़ जो मैंने ऑर्डर की है is this Ace of Face Foundation Stick from Sugar. So मेरा जो MAC का foundation है वो almost खत्म होते आ गया, and I felt like I want to experiment with more different kinds of foundations. And जब भी मैं सारे beauty YouTubers को ये sticks use करते हुए देखती थी ना, मुझे बड़ी fascinating लगती थी. I was like we should give this a shot. But I have to tell you guys this, ordering this foundation and that concealer online was such a headache because it's not easy to order your right shade online, है ना. तो मैंने बहुत सारे videos देखे, बहुत सारे comparisons किए, swatches इधर से उधर से क्या क्या लेके, finally मुझे ऐसा लगा कि ये जो 52 Coretto है, this could match my skin tone. So I was crossing my fingers and hoping it does. Otherwise, you know, you waste your money, because it happened with me earlier. I wasted like one foundation that I ordered online. And I'm really glad that ये मेरे ही शेड का निकला है. इतनी खुशी. So जब मैंने इसको मेरे मैक के साथ, मैं मैक में NC44 यूज करती हूँ, जब मैंने उसके साथ कंपेयर किया, they're the same color. It has this slight yellowish, what do you say, tone to it. Now I'm just going to directly start using it and we will see how it is. So मैंने अभी अपना moisturizer obviously पहले ही लगा लिया है. So quite a few times people comment under my video saying apply a moisturizer, why didn't you? But I obviously do it right before I start shooting. इसलिए मैं फिर से नहीं लगाती हूँ. So I have my moisturizer on and now let's go. So this time what I'm doing is I'm applying my foundation before my concealer. इसके पहले ऐसा मैंने कभी नहीं किया.
और इसके बारे में एक और बहुत अच्छी चीज ये है कि इसके पीछे ही इन लोगों ने एक ब्रश भी दिया, इफ यू गाइज डोंट वॉन्ट टू स्पेंड ऑन अ फाउंडेशन ब्रश. और जनरली मैंने सुना है कि ये वाले जो होते स्टिक फाउंडेशन, इन पे तुम्हारा स्पंज इतना अच्छे से काम नहीं करता जितना ब्रश करता है. So I'm just gonna go and try using this brush first. I remember when we couldn't stay apart, holding hands and making love out in your car. Never thought that it would. Okay, you really need good blending skills for a stick foundation. Okay, this brush is not bad, but बहुत मेहनत करनी पड़ रही है इससे. So I'm gonna do half of my face with this brush and the other half with that Lakara brush. You see, this is exactly like my skin tone, I feel. अब मैं वो वाला ब्रश यूज करने वाली हूँ. Now I might sound like a makeup snob when I say this, and you know I'm not. But now I know what people say कि brushes में difference होता है. और उससे तुम्हारे एप्लीकेशन में डिफरेंस हो सकता है, क्योंकि वो वाला जो ब्रश था जो शुगर के पीछे था, ब्रिसल्स बहुत छोटे थे तो मुझे चुभ रहा था. बट दिस हैज दीज लाइक नाइस थिक ब्रिसल्स यहाँ तक, एंड इट्स रियली सॉफ्ट. भाई मजा आया, इट डेफिनेटली फील्स गुड ऑन द स्किन. सो दैट इज जस्ट अ सिंगल कोट ऑफ द फाउंडेशन. मैंने फिर से दोबारा लगाया भी नहीं, आई जस्ट कवर्ड द एरियाज जहाँ मैंने अच्छे से नहीं लगाया था. एंड दिस इज द फिनिश विच आई थिंक आई रियली लाइक. Although, so you guys know I have not really been a person into makeup. मैं पिछले दो साल से ही makeup करना शुरू किया, सीखना शुरू किया. So मुझे हमेशा से foundation वगैरह भी ना जो एकदम natural लगता है वही पसंद आता था. That's why I would prefer liquid foundations which are not like full coverage and all, because I like that natural look. I like my skin to look like skin. But धीरे धीरे I have to give you all this disclaimer that I've started liking makeup a little more. इसलिए this stick foundation and also क्योंकि मेरा face अभी तक ठीक नहीं हुआ था, वैसे ऐसा कोई foundation चाहिए जिससे सारा कुछ cover हो जाए. अगर मुझे किसी event के लिए use करना है तो I don't think I'm going to use this stick very often, क्योंकि ये इतना मेहनत हर टाइम करना is not my cup of tea. But it's nice, I really like it and the shade works really well for me. Now क्या? तो ये जो कंसीलर मैंने ऑर्डर किया है, इट्स फ्रॉम मेबेलिन, इट्स कॉल्ड द इंस्टेंट एज रिवाइंड इरेजर. दिस इज हाउ इट लुक्स. एंड पहले मुझे बहुत टाइम लगा इसको फिगर आउट करने में, मैं इसको घुमाती रह गई, मुझे समझा ही नहीं है कहाँ से निकलने वाला है. सो अपेरेंटली यू हैव टू स्पिन इट लाइक दिस एंड द होल यू नो प्रोडक्ट कम्स आउट ऑफ योर. सो आई हैव जस्ट अप्लाइड द कंसीलर ऑन माई अंडर माई आईज एंड यू नो ऑन सम स्पॉट्स. एंड मैंने रियलाइज किया कि कैमरा ऑन ही नहीं था. कौन है ये लोग, कहाँ से आते हैं? तो फिर से अप्लाई करने में मेक्स नो सेंस. बट आई एम जस्ट गोना क्विकली टेल यू अबाउट दिस होल कंसीलर. दिस इज इन द शेड 144 कैरमल. इसका एप्लीकेशन में थोड़ा सा दिखा देती हूँ, बिकॉज आई डोंट वांट टू लोड माय फेस विद मेकअप. और मेकअप प्रोडक्ट जो है यहाँ से बाहर आता है. मुझे ना टू बी ऑनेस्ट इसका एप्लीकेशन थोड़ा सा वियर्ड लगा. If you are the OGs here, you would know कि आज पहली बार मैंने कंसीलर जो है वो फाउंडेशन के ऊपर लगाया. I never do that because one of these makeup artist friends of mine who had taught me base once told me to put it under my foundation. और तब से मैं वैसे ही कर रही हूँ. But recently मैंने जितने भी makeup tutorials देखे, yes, I've started watching some. उसमें सब ने ऊपर लगाया था. I was like, let's try this. So concealer का texture काफ़ी सही है, like blend करने के बाद it's all fine. Just the application or the applicator is I think weird, but otherwise it's nice. Oh, now it's coming out. See, मेरे जो scars, acne scars, वो अभी भी दिख रहे हैं. इतने पूरी तरह से कवर नहीं हुआ. अगर मैं वो फाउंडेशन स्टिक का एक और कोट लगाऊ तो शायद कवर हो जाए. बट यू नो वॉट, आई एम एक्चुअली फाइन विद दिस. लाइक मुझे पर्सनली आई डोंट लाइक दैट होल केकी मेकअप. थोड़ा बहुत ये दिखे टेक्सचर, थोड़ा तुम्हारा स्किन नेचुरल दिखे तो सही है. And there is nothing to be ashamed of acne. It's totally normal. It's totally cool. So I think this is okay for me. Okay, this is your reminder to drink water too. And now it's time. Now it's time for two products जिनके लिए मैं इतनी excited थी. So I called for this eyeshadow stick for the first time ever again. ये K Beauty की eyeshadow stick है और इसमें बहुत ही stunning colors है. पर मैंने जो order किया, it is called
Starry Night is a black eyeshadow stick with a little bit of shimmer and I was like अगर parties के लिए जाते हैं and like a smoky eye is like one of those basic eye looks जो हम करते ही है so let's try this. और मैंने ना off camera ये थोड़ा सा transition shade apply करने की कोशिश की. ये तो टट्टी है. Let's ignore what happened there and let's just use this and see. Oh damn. This is literally gliding. I'm having kind of a slightly like a burning sensation while applying this, which is weird, which never happens with any eyeshadow. This literally glides on your eyes. Like I was just thinking while applying it, कि अगर मैंने वो पहले वाला shade apply नहीं किया होता, तो ये तुम्हें और अच्छा, you know, इसका अंदाज़ा आता कि ये कैसा लग रहा है. But I'm going to try and blend this now. Blending is definitely not easy. मतलब also because of course I'm a beginner. See, not bad, right? I feel this part has blended so much better than this. Like I don't know what has happened here, but you get the drill, right? Like this is a great eyeshadow pencil agar tumhe smoky eyes wagaira karna bahut pasand hai, and I feel if you want to have those few basic things in your eye makeup, this you can get. This is great. Now we have one more eyeshadow और मुझे liquid eyeshadow भी काफ़ी time से try करना था, you know, वो proper full glitter वाला, and I saw these Swiss beauty eyeshadows, इसके बहुत सारे reviews भी Facebook नहीं YouTube पर देखे, why did I say Facebook, बहुत अच्छे reviews थे, and this is really cheap, I think I paid some 150 or something for this. I wanted a proper silver one, because बहुत बार ना मैंने ऐसे makeup tutorials में वो full glittery silver eyes देखे and they look yum. So this is what I got. It's not exactly silver, ये थोड़ा ज़्यादा मतलब dark grey tone में आ गया है, but we are gonna apply and see how it looks. I'll have to remove this. Ugh. Woke up on a Saturday morning, hoping that you had come. So I've not put anything on my eyes apart from a little concealer. I'm just gonna go ahead with this. The whole thing is on my finger, इसलिए आग से सब निकल गया. I need to figure out how to apply this. Wow, this is suddenly looking nice. Eyeshadow is damn weird. जब तुम पहले लगाते हो तुम्हें बिल्कुल अंदाजा नहीं कि थोड़ी देर के बाद this is going to start looking so good. It is too gorgeous, there's no doubt. And for what, 150 rupees? Are you kidding me? So I haven't done any blending so far, and this is how it looks. Obviously fallout है, but बहुत ही हल्का है. For like generally ये glitter वालों का fallout इतना बुरा होता है, but it's hardly anything. It can be easily covered. इसके आगे मैं ब्लेंड नहीं करने वाली हूँ, बिकॉज आई डोंट वांट टू रुइन इट लाइक आई ऑलवेज से. कमिंग टू द नेक्स्ट प्रोडक्ट दैट आई ऑर्डर्ड, इट्स अ बेसिक आईलाइनर, एंड जनरली ना मैं इतने सालों से मेबेलिन का ही यूज करती आई हूँ, आई हैव नेवर रियली स्विच्ड, सो आई एम लाइक टाइम टू ट्राई अदर ब्रांड. सो दिस वन इज फ्रॉम लैक्मे आइकॉनिक एंड इट्स क्वाइट गुड एक्चुअली. आईलाइनर का पिगमेंटेशन एंड ऑल इज ग्रेट, इट्स फैबुलस, बट इसके और मेबेलिन में फ़र्क ये है कि मेबेलिन का जो टिप है ना वो इसे स्लाइटली बड़ा है, एंड इट्स अ लिटिल मोर बेंडी, इफ दैट्स द राइट वर्ड. सो ये बिकॉज बहुत शॉर्ट है तो थोड़ा सा इधर उधर स्पज हो गया. मेबेलिन का जब मैं यूज़ करती हूँ ना, इट्स रियली स्मूथ, और मे बी आई एम यूज टू दैट वन इतने सालों से, सो मे बी इसमें थोड़ा टाइम लगेगा, बट इसके शॉर्टनेस से हल्का सा थोड़ा सा अनइवन सा एप्लीकेशन हो तो रहा है, बट क्वालिटी वाइज इट्स ग्रेट, रियली गुड, लाइक रियली डार्क एंड नाइस. इज इट जस्ट मी और माई फेस लुकिंग डल इवन विद ऑल द फाउंडेशन कंसीलर ऑन? आई डोंट नो व्हाई, लाइक ऐसा मुझे मेरे वो दूसरे वाले फाउंडेशन में नहीं लगता है. सो आई क्विकली अप्लाइड सम लिपस्टिक एंड सम लूज पाउडर अगेन, एंड लिपस्टिक का जो लिंक है नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में रहेगा. अब मेकअप प्रोडक्ट जो है वो सारे खत्म हो गया, बट द नेक्स्ट थिंग दैट आई ऑर्डर्ड इज सम स्किन केयर फ्रॉम दिस ब्रांड कॉल्ड रिक्विल. नाउ इस ब्रांड के बारे में मैं काफ़ी टाइम से सुन रही थी इंस्टाग्राम पे, अ लॉट ऑफ पीपल हैव बीन गोइंग गागा ओवर दिस ब्रांड, अ लॉट ऑफ स्किन केयर एंथूजियास्ट एंड यूट्यूबर्स, ओके, हु आई ट्रस्ट स्पोक अबाउट दिस. सो आई वाज लाइक लेट्स गिव दिस अ शॉट.
And the best thing is I found this whole combo which has a face wash, a moisturizer and a sunscreen. So I was like nothing like it क्योंकि ये perfect size है. अगर तुम्हें कोई नया product try करना है I think मुझे ये 1 month तक easily last करेगा and I can see if it's working for me or not and then I can go ahead and order the bigger ones. Otherwise I hate wasting money or putting it in products जो लाकर मैं एक दो बार पहनूँ और फिर वो पड़े रहे. So this was amazing for me. ये तीनों जो products हैं तीनों are okay for my skin type which is combination and acne prone skin. So इनका oil control face wash है, then there's an oil-free moisturizer which is for normal to oily skin, and then there is this sunscreen gel which is water and sweat resistant and it's perfect under makeup. What better than that, right? And it's SPF 50. So and also I really like inka sunscreen kyunki like those other sunscreens which give that disgusting white लेयर जो मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है. दिस इज रियली नाइस या दिस सनस्क्रीन इज रियली नाइस. आई ऑल्सो लाइक द फेस वॉश. बहुत ही माइल्ड है फेस पे बिकॉज विद माई एक्ने एंड ऑल आई कैन फील अगर कुछ यू नो ऐसा टिंगलिंग विंगलिंग बहुत इजिली फील करते हो. इज रियली नाइस विद द मॉइस्चराइजर. इट्स ऑयल फ्री एंड ऑल बट आई एम स्टिल लाइक आई फील लाइक ये चीज़ें लगाने के बाद कभी कभी मेरा फेस थोड़ा ज़्यादा ऑयली हो जाता है. सो आई एम येट टू फिगर इफ इज द वेदर और इफ इट्स द प्रोडक्ट बट सो फार सो गुड. And the last thing that I ordered is not makeup or skincare, but it's this essential oil from Khadi Naturals. अब तुम लोगों को मैं शायद पहले भी बता चुकी हूँ कि मुझे सम नाइस एसेंशियल ऑयल रात को पिलो पे कुछ ड्रॉप्स डाल के सोने की आदत है बिकॉज इट रियली हेल्प्स यू इफ यू फीलिंग एंग्शियस इफ यू आर फीलिंग स्ट्रेस. तो इट रियली हेल्प्स काम योर माइंड. तो इसके पहले मैं लैवेंडर ऑयल यूज़ कर चुकी हूँ काफ़ी बार बट दिस टाइम अगेन बिकॉज वी वर इन द मूड टू स्विच थिंग्स अप सो आई वाज लाइक लेट्स ट्राई सम अदर वन. सो दिस वन इज द सैंडलवुड वन. काफ़ी अच्छा ये बट अगर तुम्हें स्ट्रॉन्ग फ्रेग्रेंसेस से प्रॉब्लम है तो ये काफ़ी स्ट्रॉन्ग है. ओ माई गॉड लाइक आई हैड टू पुट द लैवेंडर वन क्वाइट अ फ्यू ड्रॉप्स बट ये एक या दो ड्रॉप से ही आई कैन स्मेल दैट इवन द नेक्स्ट नाइट. सो दिस इज क्वाइट पोटेंट. एक्चुअली ये ऑयल्स जो है ये मसाज के लिए भी यूज होते हैं. वो मैंने आज तक ट्राई नहीं किया हुआ है ऑल्दो आई वुड लाइक टू एट सम पॉइंट बट राइट नाउ आई यूज दिस जस्ट एज लाइक अरोमा थेरेपी रात को सोने से पहले. स्मेल्स ब्यूटिफुल. So that was the makeup haul for you. और इसके पहले कि मैं video wrap करूँ I know a couple of you will later ask me what is this lipstick. So I've again mixed two colors like I always do. So this is the Maybelline Sensational Liquid Matte 06 Best Babe एक color है and the other one is 02 Soft Wine. So Maybelline had sent me these samples a while back जो मैं कभी किसी video में use नहीं कर पाई. So I was like today is a good day. I like how these two look. So that's it guys. अगर ये वीडियो तुम्हें हेल्पफुल लगा प्लीज डोंट फॉरगेट टू शो मी ऑल योर लव इन लाइक्स एंड कॉमेंट्स बिकॉज यू गाइज नो दैट योर लाइक्स एंड कॉमेंट्स हेल्प मी ग्रो ऑन यूट्यूब. सो डू दैट बी जेनरस विद दैट एंड या ऑन दैट नोट आई एम गोना गो एंड सी यू गाइज रियल सून. यू डू नॉट फॉरगेट टू कीप इट्स फंकी कीप इट रियल. बाय बाय.